मेरा नाम जैनी जैन है, डॉटर ऑफ मिस्टर संजय जी जैन। मैं न्यू लुक स्कूल से हूँ और जैसे कि आपको पता है कि कल 10th बोर्ड का रिजल्ट आया और उसमें मेरे 95.4% है। इससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत बहुत ज़्यादा खुश है कि मैं बता भी नहीं सकती आपको। उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी थी मुझसे और रियली यार प्रूव किया मैंने। उसके बाद मेरे टीचर्स थे उनको भी सारा बहुत अच्छा था कि हाँ रियली इतने आने ही चाहिए। और उनकी मेहनत भी थी मेरे पे, वो मुझे पर्सनली अटेंशन देते थे, मेरे डाउट्स होते थे वो क्लियर करते थे। उसके बाद मैं उनसे हर चीज़ शेयर करती थी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो मुझे पर्सनली बता देते कि यहाँ ये गलत है यहाँ गलत है। और उन्होंने हर एक छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को उन्होंने अच्छा सॉल्व किया। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स, मेरी पूरी फैमिली का इतना सपोर्ट था मुझ पर कि रियली रिजल्ट आना ही था। और मैं चाहूँगी कि फ्रेंड्स पढ़ने, मतलब 10th बोर्ड के एग्ज़ाम से जनरली स्टूडेंट डरते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेगुलर आप अगर पढ़ते हो तो उससे कोई टेंशन नहीं लेने। अगर आप 3 घंटे अगर डेली पढ़ते हो तो फिर आपको लास्ट टाइम में यार पढ़ रखा है वही तो आना एग्ज़ाम में। लेकिन कुछ बच्चे नहीं पढ़ते और चलो लास्ट में पढ़ लेंगे, लेकिन वो नहीं होता है फ्रेंड्स। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रोज़ 3 घंटा पढ़ो, भले ही आपको जितनी भी मस्ती करनी है पर फिक्स रखना पड़ेगा कि नहीं मैं मुझे 3 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। उसके बाद एक है कि आपको सोना भी पड़ेगा डेली। कुछ बच्चे होते हैं यार नहीं पढ़ा फ्रेंड्स में, मोबाइल में टाइम निकल गया तो चलो मैं नहीं सोऊंगा उस जगह पढ़ लूंगा ऐसा बोलते, लेकिन फ्रेंड्स सोना तो आपको पड़ेगा। 8 आवर्स या 7 आवर एटलीस्ट आपको सोना पड़ेगा। उसके बाद ये है कि मेरे, मतलब आप जो भी है आपकी फीलिंग्स है या आपके पेरेंट्स आपके टीचर्स से शेयर करो। तो आपके जैसे मेरी, मुझे रूटीन में, मेरे डेली रूटीन में कभी कोई प्रॉब्लम आती कि नहीं मेरा टाइम सेट नहीं हो रहा है तो मैं टीचर्स से बताती थी। टीचर्स बोलते हैं, मेरे कोचिंग टीचर्स बताते थे ना ये नहीं है ऐसे कर, इस टाइम पे पढ़ना ज़रूरी होता है ऐसा। और फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहूँगी कि आप मेहनत करते रहो, आप मेहनत करोगे तो रियली आपको रिजल्ट मिलना है। और रियली मेरा 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है और आई एम वेरी 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 हैप्पी। तो सो थैंक यू।